मोदी सरकार द्वारा स्वर्ण जातियों को सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिए जाने को लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय प्रकट की है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, तो कई लोगों ने इसे काफी सराहनीय बताया है। जी क्या कहोगे, जिस प्रकार से 10% आरक्षण कल दिया है, क्या मानते हैं आप इसे? प्रधानमंत्री जी की सोच तो बहुत बढ़िया है। अगर ग्राउंड स्तर पे गरीबों के लिए अगर आरक्षण आ जाता है, ऊंचे किसी भी जाति का हो, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गरीब जो तबका है उसके लिए फायदे की बात है। क्या मानते हैं किस तरह से फायदा होगा? देखिए, जैसे आर्थिक तौर पे गरीब व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं आरक्षण के चक्कर में रह जाता था, उसकी जॉब नहीं लग पाती थी। आज अगर इस तरह की योजना अगर सरकार लाती है, ग्राउंड स्तर पर अगर ये सही रूप से अमल में आती है, तो कहीं ना कहीं गरीब तबके के लिए फायदा तो है ही। देखिए, मोदी सरकार ने जो स्वर्ण जातियों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है, यह मुझे महज चुनावी स्टंट लग रहा है, क्योंकि मोदी साहब को सत्ता में 4.5 साल हो गए हैं और अप्रैल या मई के आखिर में चुनाव है लोकसभा। तो स्वर्ण जातियों का कहीं ना कहीं वोट हासिल करने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। पिछले 3 राज्यों में जैसे चुनाव हुए थे, वहाँ पे बीजेपी को हार का स्वाद चखना पड़ा। तो सरकार का कहीं ना कहीं ये प्रयास है स्वर्ण जातियाँ उनके वोट बैंक के हिसाब से उनके पास आई, इसलिए सारा चुनावी स्टंट है। जी, मेरा नाम निखिल गोयल, मैं गांव कलिंगा से निवास करता हूँ। जो मोदी जी ने 10% आरक्षण की बात की है, वो उनका चुनावी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि जो आज तक उन्होंने वादे ही किए हैं, ठीक है, लेकिन काम कोई भी पूरा नहीं है, जिससे व्यापारी में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, कपड़े की मेरी शॉप है, इसमें जीएसटी के लगाने की वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान हमको झेलना पड़ रहा है।